back. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum जी, आप देख रहे हैं विजन टाइम्स और मैं हूं आपकी होस्ट सबा असलम. आज का हमारा प्रोग्राम है जी सीपैक के ऊपर, सीपैक की करंट सिचुएशन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और सीपैक और पाकिस्तान का सीपैक के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं वो सब. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर यासिर मसूद, ही इज़ अ पाकिस्तान चाइना एक्सपर्ट, एंड मिस्टर आसिम रजा, ही इज़ अ करंट अफेयर्स एनालिस्ट. तो जी यासिर, हम आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आप सेंटर फॉर एक्सीलेंस में भी सीपैक को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं. तो आप क्या देख रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है सीपैक की, सीपैक कहाँ जा रहा है, हाउ प्रोग्रेसिव इट इज़, या क्या अभी तक कितनी परसेंटेज उसने अपनी प्रोग्रेस की कर ली, अटेन कर ली, कितनी रहती है, हाउ इट इज़ गोइंग ऑन. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. मेरा ख्याल है जब हम सीपैक की बात करते हैं तो इस वक्त का जो हम जायज़ा लेंगे, यानी कि अब तक की क्या प्रोग्रेस रही है या हमने क्या अचीव किया है. बिल्कुल, जब हम ये बात करते हैं कि हमने क्या अचीव किया है, तो उसके साथ हमें मेरा ख्याल है इस चीज़ पे भी एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे अभी रूम अवेलेबल है. तो देखें, सीपैक के हवाले से अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो हमारे दो मेजर इशूज़ थे. एक एनर्जी शॉर्टफॉल का एक बड़ा मेजर इशू था और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का. अब हम ये बार बार, यानी ये बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स पे इस पर लिख भी चुका हूँ, हम इसको क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एनर्जी शॉर्टफॉल को, उसका एक बड़ा ड्रास्टिक जो थी इम्प्लीकेशंस थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर. बिल्कुल. और वो सबसे बड़ी ये थी कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो कम्प्लीटली हॉल्ट हो गई थी. हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे बिकॉज ऑफ एनर्जी शॉर्टफॉल, जो कि एक प्री रिक्विजिट है, उसकी वजह से वो रिलोकेट हो रहे थे बाकी कंट्रीज़ में. तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं समझता हूँ मिला है अभी तक, वो ये है कि हम 2021 तक कम्प्लीटली पाकिस्तान जो है एनर्जी शॉर्टफॉल पाकिस्तान में नहीं रहेगा. बिल्कुल. दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको वो करना चाह रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ये भी बता दें कि जो सीपैक है, क्योंकि इसमें हम अगर सीपैक को लेते हैं तो हम सिर्फ एक कॉरिडोर की राहदारी की बात करते हैं ना, तो अगर आप हमें इसमें ये भी बता दें कि इसमें लाइक दे आर लाइक एनर्जी प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ. तो दूसरा जो है ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये दोनों प्री रिक्विजिट्स जो है ये एक दूसरे के, ये एक ऐसे डिटर्मिनेंट हैं जो एक दूसरे के बगैर जो है उसका गुजारा नहीं है. बिल्कुल. लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को डिवेलप किया गया. अब जहाँ तक हम सीपैक की अम्ब्रेला की बात करें तो देखें उसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आपके सोशो इकोनॉमिक के प्रोजेक्ट्स हैं. अनफॉर्चुनेटली अभी तक के इस टाइम तक भी, यानी कि लोगों का आम तासुर ये है कि शायद ये एक ट्रेड कॉरिडोर है या शायद सिर्फ बिल्डिंग्स बन रही हैं या शायद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि ऐसा नहीं है. सीपैक में इतना रूम अवेलेबल है कि इसमें इतने फेसेट्स हैं जिसपे अभी हमने काम किया ही नहीं है. बिल्कुल. और उसके बाद जैसे आपने अपने क्वेश्चन में कहा कि क्या होने जा रहा है, तो ये इन दो चीज़ों के ऊपर मेनली फोकस था, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई तो प्रीवियस गवर्नमेंट में अभी तक का ये एक आम लोगों का कंसर्न था कि जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा लोगों के लिए, तो इसीलिए इसको जो है वो एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, यानी कि किस तरह इसको ब्रॉडन किया जा रहा है. उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सोशो इकोनॉमिक आपका सेक्टर है उस पर फोकस किया जा रहा है. और क्यों किया जा रहा है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे सामने एक ह्यूज चैलेंज है कि हमने पॉवर्टी एलिविएशन कैसे करनी है, पॉवर्टी रिडक्शन कैसे करनी है. दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, तो उनको कैसे एड्रेस करना है. हाँ, सोशल स्किल डेवलपमेंट की तरफ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है, ये सारे वो प्री रिक्विजिट्स हैं, ये सारे वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाते हैं. तो आप देखेंगे कि ये इस वक्त जिन फैक्टर्स के ऊपर, जिन आस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, आने वाले वक्तों में मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 5 साल के बाद सीपैक जो है वो आपको, आपकी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देना है. ठीक है जी. जी आसिम साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि खित्ते में सीपैक के क्या फायदे हैं, लाइक बीआरआई का ये यानी एक सबसे मेजर प्रोजेक्ट है ना सीपैक वाला, तो इसके अलावा यानी पाकिस्तान के अलावा बाकी जो रीजनल स्टेट्स हैं उनके लिए क्या फायदे हो सकते हैं, चाइना के लिए खुद इसमें क्या फायदे हैं, आप कैसे इसको देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सभा. इसमें जिस तरह यासिर ने बड़ा एलैबोरेटली इसको एक्सप्लेन किया और इज द बेस्ट एनालिस्ट फॉर द सीपैक एज वेल. बिल्कुल. लेकिन इसमें देखिए हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसकी इब्तदा हुई तो उसकी जो ब्रीफिंग्स हो रही थी, तो जो शुरू की इसकी जो इनके ब्रीफिंग्स थी जो दी गई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवा के उसके अंदर ब्रीफिंग्स थी, तो
उस वक्त भी शायद वेस्टर्न रूट और बहुत ज़्यादा उसको पोलिटिसाइज़ करने के लिए और उसको कम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें ना, तो इसमें आप देखें जहाँ ये पाकिस्तान के एक प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उस वक्त आया कि जब पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी। ये एक ओल्ड सिल्क रूट का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक पाकिस्तान के लिए एज अ ब्लेसिंग आया है। जितना भी बिलियन डॉलर 72 बिलियन है या जितना भी डॉलर इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये खित्ते का पाकिस्तान को गेटवे बना रहा है। क्योंकि आप अगर बात करते हैं उधर यूरोप की टर्की, तो इधर पाकिस्तान है। आपकी जितनी ट्रेड है, जितनी वेसल्स सी वेसल्स हैं, उन्होंने पार्क भी होना है, उन्होंने वहाँ से हुकअप भी होना है, अपना फ्यूलिंग भी करवानी है। फिर ये तो एक अलाइड मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बेल्ट एंड रोड की जो बात है, ये पावर कॉरिडोर का तो अभी यासिर बता चुके हैं, लेकिन जो आपका इस पूरे इस सी रूट के हवाले से अगर हम बात करें, जितनी ट्रेड है वर्ल्ड वाइड, आप ये सोचें सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये नहीं है, दुनिया की जितनी जो ट्रेड गुजरेगी, और उन्होंने वहां पे स्टॉप ओवर करना है, उन्होंने टैक्स पे करना है, उन्होंने रिफ्यूलिंग करनी है, अलाइड सर्विसेज वहां पे देनी है। देखें, आप जब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, अभी हम बिजली के शॉर्टफॉल की बात करें, गैस की बात करें, हमारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल डाउन हो गई थी, अब कुछ हालात बेहतर हुए, लेकिन जैसे ही तमाम चीजें कंप्लीट होंगी, फिर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपनी तमाम चीजें, क्योंकि आपके और भी फॉरेन प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में इंस्टॉल होने जा रहे हैं, आपको उनके साथ कम्पीट करना होगा, आपको अपनी अपग्रेडेशन उसके हिसाब से करनी होगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपको बहुत जिसे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली नौकरियां जनरेट होंगी, बिल्कुल आपके मुल्क के अंदर वो पैसा सर्कुलेट होगा। और देखिए, मैं दुबई की बात करूँ, मैं आपको जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी अगर बात करता हूँ, गल्फ स्टेट्स की बात करता हूँ, उनके पास क्या है, तेल या फिर ये ट्रांजिट या फिर ट्रेड के साथ साथ आपका जो सी पोर्ट है। बिल्कुल, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एक ऐसा नेचुरल सी पोर्ट दिया है, डीप सी पोर्ट कि जिसकी स्पेसिफिकेशन अगर डेप्थ के हिसाब से देखी जाए तो कहीं और दुनिया में ऐसा नहीं है, ये मौजूदाती तौर पे पाकिस्तान के पास है। तो मेरा ख्याल है कि फिर तो पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले 5 से 10 साल जो होंगे, पाकिस्तान इस खत्ते का आपको एक सबसे ताकतवर मईशत का सतून नजर आएगा। जैसे इस वक्त यूरोप में अगर आप देखें कि वहां पे इकोनॉमिक क्रंच हुआ स्पेन का और दीगर, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी रही और इकोनॉमी रही वो तुर्की की रही, बिल्कुल, क्योंकि वो भी गेटवे है अगर आप देखें एक लिहाज से, अगर उसके यूरोप के हवाले से, तो उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है, और उसके बाद जो वहाँ के अर्दोगान और उनकी जो पॉलिसीज है उन्होंने उसको अपलिफ्ट किया, तो सिमिलरली आपको पाकिस्तान में भी उसी तरह का मॉडल नजर आएगा। या से जब हम देखते हैं कितने ज्यादा फवायद हैं सीपैक के, और फिर उसके साथ साथ हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ इस तरह के भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं सीपैक के लिए, तो हाउ वी कैन काउंटर दैट, लाइक व्हाट आर दी लाइक इनसिक्योरिटीज ऑफ दोस जो किस चीज को यानी नेगेटिवली लेके चल रहे हैं, या फिर हम इसका यानी एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या हम इस मीडिया के तवज्जो से हम उस चीज को किस तरीके से पॉजिटिव साइड पे लेके जा सकते हैं, या हम सोशल माइंडसेट जो है यानी पॉजिटिव माइंडसेट फॉर द सीपैक, यानी जो हम कहते हैं कि जी सोशल इंपैक्ट नैरेटिव बिल्ड करने की बात, बिल्कुल, तो वो किस तरीके से हम उसको काउंटर कर सकते हैं और कैटर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब से ये आइडिया कंसीव हुआ था 2013, बिल्कुल इसकी अपोजिशन तो उसी वक्त शुरू हो गई थी ऑब्वियसली, लेकिन हमें इसमें समझने की जरूरत है कि इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस अपोजिशन के, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। बिल्कुल, अब एक्सटर्नली आपको पता है कि दो ममालिक जो हैं इंडिया और यूएस, वो ऑब्वियसली पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर होल कॉन्सेप्ट है उसको भी अपोज कर रहे हैं, और उनका अपना रैशनल है, उनकी अपनी रीजन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि ये जरूर है कि अगर एक कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है और दूसरा कंट्री उसके उस ऑब्जेक्टिव को जो है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, इट शुड नॉट बी एट द डेट्रीमेंट ऑफ एनी अदर स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स और उनका जो इंटरेस्ट है, तो ये इंडिया को समझना चाहिए। यूएस जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर चूंकि चाइना के वो अगेंस्ट जा रहा है, तो वो इसलिए इतना बड़ा जो जाइगेंटिक कॉन्सेप्ट है इस सदी का उसको वो अपोज कर रहा है, और कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टूल्स यूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं आजकल की दुनिया में एक बड़ा बज़ वर्ड है कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो रही है या हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो शुरू हो गई है, ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी हो रही हैं, और पाकिस्तान जो है प्रोबेबली अब इस तरफ आया कि हम इस चीज़ को समझना शुरू हो गए हैं। इसमें यह होता है कि जी इंटरनेट बेस्ड प्रोपेगेंडा है, और ये जो लीथल कॉन्सेप्ट है यानी कि एक वेपन है सोशल मीडिया का, उसमें मुख्तलिफ तरीके से ट्विस्ट करके स्पेशली जो है आप देखें कि फाइनेंसिस, जो फाइनेंसिस का मामला है उसमें अजीब गरीब तरह के जो है ना आप एनालिसिस मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनली जो है मैं समझता हूं कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट, हमारे कुछ वो हजरात
جو کہ اپنے آپ کو سو کالڈ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹ سمجھتے ہیں, ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قسم کا پوائزن جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے مائنڈز میں. اس کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر آ کے ادھر سے ہی بات شروع کرتے ہیں, ادھر سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. وی این ٹیلی ویژن جو ہے ویب ٹی وی, اس کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ یہاں اس کے جو پروگرام ہیں وہ ایسے باشعور لوگ جنہیں پاکستان, اسلام اور ٹو نیشن تھیوری سے پیار ہے, وہ لوگ آپ کے ٹی وی چینل پہ آتے ہیں, اچھے مباحثے ہوتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہوتے ہوئے مجھے یہ ایک امید نظر آ رہی ہے کہ جو ہمارے ویب ٹی وی جو فیوچر کا ایک ایسا بڑا ایک حصہ ہوں گے, اس میں اس طرح کے خوبصورت ٹیلی ویژن جس کا نام وی این ہے, اللہ تعالیٰ اس وی این کو پاکستان کا وی این بنائے, اسلامی نظریے کا وی این بنائے. میری نیک تمنائیں اس ٹیلی ویژن کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک جی, اور ہم اب وہیں سے اپنی ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے. جی ویلکم بیک, اور ہم ادھر سے اسٹارٹ کریں گے کہ جو نیگیٹو نیریٹو ہے اس کو ہم کیسے, اس کو کاؤنٹر نیریٹو اس کا کیا ہوگا. لائک آپ بھی اور آسم بھی اس کے اوپر اپنے ایکسپرٹ اوپینینز دیں گے کیونکہ آپ زیادہ بڑے انالسٹ ہیں ہمارے سامنے بھی. دیکھیں اس چیز کو میں کافی پچھلے 3 سال سے دیکھ رہا ہوں, اسپیشلی جو نیگیٹو نیریٹوز جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہم کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس طرح کی جو پرسیپشن ہے اس کو ہم ڈیفیٹ کر رہے ہیں. بالکل. لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم ریبٹلز کرتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ایک عجیب و غریب قسم کا ایک اور ہم سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا انالیسز ہے, ہم ریئیکٹیو ہیں. تو جب تک ہم اس ریئیکٹیو موڈ میں رہیں گے تو یہ پرسسٹنٹ نہیں ہے, یہ لانگ اسٹینڈنگ نہیں ہے. ہماری طرف سے اس قسم کی اسٹریٹجی, اسپیشلی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈیوائز ہونی چاہیے جس میں ہم بیسیکلی فوکس ہی ہونا چاہیے, ہاں اس میں فوکس ہی ہونا چاہیے کہ وہ آٹو موڈ میں خود ہی کام کر رہی ہو, کہ جب اس طرح کے نیگیٹو نیریٹو جو ہے وہ ایمینیٹ ہو رہے ہوں, ایمرج ہو رہے ہوں, تو اس کا کوئی جو ہے وہ امپلیکیشنز نہ ہو. پرابلم ایک اور بھی ہے, ہمارے دیکھیں لٹریسی ریٹ لو ہے, موسٹلی پیپل آر نائیو, اور اتنا بڑا چونکہ یہ کانسیپٹ ہے اور فرسٹ ٹائم اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی ہے, بالکل یہ انٹریکیسیز ہیں اس پورے سبجیکٹ کو سمجھنے میں, اس پورے پروجیکٹ کو سمجھنے میں. بالکل. تو آؤٹ آف نائیویٹی کیا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ فائنینسز کی جو فگرز, فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, ٹوسٹ کرتے ہیں, تو آبویسلی اس کا نیگیٹو انفلوئنس جو ہے وہ عام لوگوں تک جاتا ہے. جو وائز ہیں, جو لوگ سمجھدار ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو پتا ہے کہ سی پیک ہمارے لیے کیا کر رہا ہے اور اس کی ہمارے لیے کیا ورتھ ہے. تو لہٰذا کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کا ایک اسٹریٹجی اسٹیٹ لیول کے اوپر اپروڈ ہونی چاہیے, اس میں چائنا کا بھی رول ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ بار بار وہ ڈسیمینیٹ اس طریقے سے ہو تاکہ اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ نیچرلی خود ہی وہ ڈیفیٹ ہوتی جائے اور ہم صرف اس پہ ریلائی نہ کریں کہ جی ہم نے ری بٹنز کرنے. فار ایگزامپل ہم اس کے اوپر پروگریس رپورٹس یا اس طرح کچھ کرتے رہے, پبلک کرتے رہے تاکہ پبلک کو پبلک کرتے رہے, اور دوسرا ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بھی سیلف جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ. دیکھیں اسٹارٹ میں ایک عجیب و غریب سی بات آئی کہ یہ جتنے بھی ٹولز ہیں, مثال کے طور پہ کانسیپٹس ہیں کہ جس طرح یہ ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی ہے, یہ جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بننے جا رہی ہے, یہ سارے انڈیا کی طرف سے ایمینیٹ ہوئے اور اس طرف انجیکٹ ہوئے. ہمارے انفارچونیٹلی کچھ جورنوز نے اس کو بڑا انڈورس کیا, اس کو حق کیا اس طرح کے کانسیپٹس کو, اور پھر مزید جو ہے نا لائم لائٹ میں آنے کے لیے اس کو مزید جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک قسم کی نیگیٹیوٹی کریٹ کی جائے, پوائزننگ ہے. تو اور بعد میں دیکھیں کیا ہوا, مثال کے طور پہ ایک اور ایشو ہوا کہ جی ایک کنسنسس نہیں بلڈ ہو رہا روٹس کے اوپر, تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی. پھر ایک اور ایشو آیا کہ جی وہ پروگرس نہیں ہو رہی, یا عام عوام کے لیے کچھ نہیں مل رہا, اور نئی گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے, نئی گورنمنٹ تو الٹا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے. بالکل. تو ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بھی ہمیں ایک اس کا بہت بڑا ایک ثبوت ہوگا کہ سی پیک جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے. ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے, ہم پروجیکشن میں تھوڑے ویک. بالکل. مثال کے طور پہ اگر انڈیا کی بات کی جائے تو وہ انٹرنیشنلی کس طریقے سے پروجیکشن کرتا ہے. بالکل. وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اور کس طرح ہائپ کریٹ کرتا ہے.
तो हमें भी ये हाइप क्रिएट करने जा रही है करना चाहिए कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, ये गेम चेंजर है, और गेम चेंजर क्यों है उसके बिहाइंड हमें इस रैशनलिटी को जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। बिल्कुल जी, इसमें देखें सबा आप एक और चीज है कि अब इसके प्रोजेक्ट्स को खासतौर पर सोशल मीडिया पे पिछले दोनों वीडियोस वायरल हुई, क्योंकि चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल की गाड़ी के ऊपर जंप्स कर रहा है और मलाइन करने के लिए कोई झगड़ा दिखाया गया, तो ये वो चीजें हैं जो कि पर्सनल लेवल पे कॉन्स्पिरेसी, और देखिए बल्कि पाकिस्तानी को वहां मार दिया, ये भी दिखा रहे थे कि एक फेक न्यूज डाली कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था जो वहां पे पढ़ने गया हुआ था तो उसको बेदर्दी से मार दिया गया सड़क के ऊपर। ये वो तमाम चीजें जिसके पीछे, अच्छा अगर आपको मैं रियलिटी बताऊं, ये जो न्यूज बना के चलाने वाले लोग हैं ये फेक अकाउंट्स के जरिए, इस पर हमारे साइबर क्राइम बिल भी आया हुआ है, वो बाहर मुल्क से बैठे हुए हैं और ज्यादातर ये इंडियंस हैं जो कि पाकिस्तानी नामों के साथ और पाकिस्तानी बन के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, और सोने पे सुहागा कुछ हमारे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल दोस्त हमारे मीडिया के लोग हैं जो कि यूज हो रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर पैसा लग रहा है। जैसे आप कालाबाग डैम का भूला नहीं होंगे हम लोग, कि जिस तरह उसको पोलिटिसाइज किया गया था, तो जब राजेंद्र नाथ की सरबराही में रॉ के उस पर अलल ऐलान नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं इसको बनने नहीं दूंगा और जितना पैसा लगाने लगाएंगे हम, तो वो पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारा काम है हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जहां तक रही बात एस्पिरेशंस के हवाले से, इसकी बाकी चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट्स के या डिसएग्रीमेंट्स के हवाले से, देखिए घर जब होता है तो उसमें डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहन भाइयों में भी होते हैं, आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रूट के ऊपर बात हो रही थी, फिर उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स में बात हो रही थी, फिर उसकी शेयरिंग के हवाले से बात हो रही थी, फिर इकोनॉमिक जोन का झगड़ा बन गया कि मेरे इलाके में नहीं बना तुम्हारे इलाके में क्यों बन गया। ये वो डिजाइन था जो कि वो इन्वेस्टर, जो चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके लोन्स हैं, उनके हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन बन के उसके हिसाब से तैयार होना है। अब यहाँ पे हुकूमत बदली या नहीं बदली, तरजीह पाकिस्तान की तरक्की है, और इसमें अभी हम बताएं कि अभी पिछले दिनों एक और चीज़ दे दी गई थी कि जी सऊदीया और यूएई जब आ रहे हैं तो शायद चाइना नाराज़ हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं ये बताऊँ, हसन रूहानी ने उनका की स्पीच में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वहाँ पर खड़े होकर कहा था कि जी हमें भी इसमें बराबर का शरीक बनाए, जबकि चाबहार इंडिया वहां पे एक अपनी इन्वेस्टमेंट करके जस्ट फॉर द पीनट्स उसने डाला है कि अपने आप को स्ट्रेटेजिकली वहां पे स्ट्रॉन्ग कर ले, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद हसन रूहानी ने, ये यासर को याद होगा, उन्होंने रिक्वेस्ट की वजीर आजम नवाज शरीफ उस वक्त के थे कि हमें भी इसके अंदर रखना है और चाबहार के साथ इसको लिंक करें, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें इंडिया भी खुद आपसे मदद मांगेगा कि जी बस बहुत हो गई लड़ाई, अब हम मिलकर चलेंगे, सीपैक में डाल दें। वो एग्जैक्टली यही होगा जिस तरह मैंने आपको गैस पाइपलाइन की बात की है। फ्यूचर में इंडिया और अफगानिस्तान, देखिए मैं आज से तकरीबन कोई 6 साल पहले की बात बताऊं, अभी सीपैक शुरू नहीं हुआ था, एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जो कि साबिक सेक्रेटरी लेवल रिटायर्ड हुए हैं, फेडरल सेक्रेटरी, और ही इज एन एनर्जी एक्सपर्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है, डॉक्टर गुलफराज साहब का मैं नाम लेना चाहूंगा, इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया चाइना ने उनको बाकायदा एक पाइपलाइन के हवाले से डिजाइन भेजा है कि जो ईरान के साथ करना चाह रहा है, और वो सीपैक का भी हमें पता नहीं था लेकिन वो रूट उसमें डिफाइंड था। तो उन्होंने हल्के से मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक गेम चेंजर चीज आने वाली है अभी सीपैक का, क्योंकि वो सीक्रेसी होती है, बहुत सारी चीजें हम प्रीमेच्योरली डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि जब ऐलान हुआ उसके बाद कितनी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई। तो ये प्लान बहुत पहले से चल रहा था, और उसमें गैस पाइपलाइन की बात करें, रेलवे ट्रैक, अगर रेलवे ट्रैक बन जाता है तो आपकी सोच है कि आपकी ट्रेड के अंदर सीपैक का रूट अपनी जगह पे, लेकिन रेलवे ट्रैक के साथ आपको जो आपकी यानी वो है नॉट ओनली इंटरनेशनल बल्कि आपका जो इवन काशगर तक अगर हम बात करें तो वहां तक आपको इतना फ्रीक्वेंटली आपके पास चीजें इजी स्विफ्टली आ जाएंगी कि आपका मेरे ख्याल से कोई बंदा भूख से मरने नहीं वाला। एग्जैक्टली exactly. अच्छा इसमें हमें नैरेटिव जो देना है, अब बात आती है हमारा काउंटर नैरेटिव के हवाले से। देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बहरानों से हमेशा निकला है, उसके ऊपर चाहे जंगें मुसलत की गई हैं, नेचुरली अगर हम बात करते हैं डिजास्टर्स जितने बड़े बड़े पाकिस्तान में आए, आप राह रास्त ऑपरेशन को देख लें, 28 लाख महाजरीन थे जिनको पाकिस्तान ने दोबारा ना सिर्फ रिहेबिलिटेट कर दिया बल्कि अपने घरों में महफूज पहुंचा दिया, जो कि दुनिया कहती थी साल लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की कौम एक ऐसी कौम है कि जब भी कोई कड़ा वक्त आता है या सिर्फ इसमें ये ताकत है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं। दो सुपर पावर्स का खात्मा किया, दो सुपर पावर्स को, बल्कि सुपर पावर क्या, बल्कि आप देखें ये तो पूरी वर्ल्ड पावर्स को शिकस्त दी है आपने। और इस वक्त मैं वियतनाम की रिपीट नहीं करना चाहता, हिस्ट्री अल्लाह ना करे कि वो हिस्ट्री रिपीट हो जाए कि लाओस और कंबोजिया वाली बात के मुजाकरात से होते होते लाओस और कंबोजिया वाली बात बन जाए, लेकिन ये अमरीका की शिकस्त है उधर से इंखला जो है, क्योंकि वो इस वक्त आपके रिक्वेस्ट
रिटर्न करके भेज चुका है कि जी हमारी मदद करो, निकालो हमें वहां से। बिल्कुल, तो रशिया के एनवॉय आके जिस तरह मिला है उनको भी खुशी हो रही है, लेकिन दुनिया ये नहीं चाहती कि वो गन फैला के भागे। रशिया का वो जो पुराना एक सपना था, गन फैला के जब भागे, और अफगानिस्तान में अमन का मतलब यह है कि सीपैक की 100% कामयाबी। बिल्कुल, क्योंकि जो लैंड यूज हो रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो लैंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, और वहां अगर ये काम रुक जाता है तो पाकिस्तान के लिए आगे बहुत अच्छे हालात जी। यासिर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देखें अभी तक सीपैक ने आपको कितना बड़ा लीवरेज दिया। अभी इन्होंने जैसे बात की, सऊदी अरेबिया 15-16 बिलियन डॉलर स्पेंड करने जा रहा है, जो ये आपकी तरफ आ रहा है, मलेशिया आपकी तरफ आ रहा है, टर्की आपकी तरफ आ रहा है। अभी पिछले दिनों की रिपोर्ट है कि रशिया जो है 1-2 बिलियन आ रहा है। यूरोपियन कंपनीज जो है वो अपना शेयर इसमें ढूंढ रही है, कुवैत बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो भी इस ग्रुप में आ जाए। बिल्कुल, तो ये लीवरेज है और ये हमारी सक्सेस है। दूसरा, जो आपने नेगेटिविटी की बात की, क्यों हम इसको गेम चेंजर कहते हैं, जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली, जियो पोलिटिकली, हर लिहाज से जो है ये आपकी पोजिशन जो है वो स्ट्रेंथन करने जा रहा है एट रीजन एंड ऑल्सो एट इंटरनेशनल लेवल। थैंक यू यासिर एंड थैंक यू आसिम, और इसी के साथ हम आपकी इजाजत लेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।